हाय फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बोलर लाइट का इस्तेमाल किया गया है और इसको लगाया गया है और देखिए लाइट जल भी रहा है और ये थ्री फेस लाइन में डायरेक्ट लगाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस लाइट को कैसे लगाया जाता है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और देखिए कितना लाइट लगाया गया है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे केबल 1.5 कॉपर वायर का यूज किया गया है और देखिए इसके लिए हमने ब्रास जो रॉड आता है 6 mm का रॉड है, इसको होल मार के वो रोल प्लग डाल के इसमें टाइट कर दिया गया है और ये यहाँ पर नीटे नट डाला गया है। बाद में वाशर उसके ऊपर प्लेट लाइट का जो प्लेट है उसको निकाल के इस पर स्पीड लेवल की सहायता से इसको करेक्ट कर लेंगे सीधा, ताकि हमारा लाइट लगाने के बाद सीधा स्ट्रेट लगे, देखने में अच्छा लगे। और देखिए यहाँ से थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं, घटा सकते हैं, इसको अप डाउन कर सकते हैं और देखिए क्रॉस लगा लगा के। और देखिए इधर लाइट लगाना बाकी है और लाइट लगाने के बाद आपको हम दिखाएंगे। और देखिए इस पैनल की सहायता से इसको टाइट कर लेंगे और फुल इसको लेवल में लगाएंगे, स्पीड लेवल में लगाएंगे। लाइट जो है थोड़ा वेट है और थोड़ा लंबा है तो इधर उधर झुके ना, इसलिए इसको टाइट कर देंगे हम। और देखिए यहाँ पे केबल है, 4 कोर का केबल है, ये RYB और N है, इसमें 3 फेस डायरेक्ट आया हुआ है और इस केबल को ये लाइट का अंदर जो होल दिख रहा है उसमें से निकाल देंगे और बाद में उसको आर्मर को कट करके निकालेंगे। आर्मर निकालने के बाद वायर पूरा निकाल लेंगे, देखिए निकाल लिया गया। अब इसको इसे करके छोड़ देंगे इसमें और उसके बाद से यहाँ तक लेबल जो लाइट का वो जो नीचे का हिस्सा है, देखिए ये लाइट है, यही लाइट लगाया जाएगा यहाँ पे। और इसमें देखिए डबल चौक दिया हुआ है, बहुत ही सिक्योरिटी है इसमें, देखिए डबल चौक का इस्तेमाल किया गया है। और देखिए कितना अच्छा लाइट है, देखिए ऊपर लाइट है और फॉक्स टाइप लाइट है, रात को आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा लाइट। इसी लाइट को हम लगाएंगे, देखिए पूरा लाइट और लगाया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं केबल का ये जो आर्मर है वो निकाल दिया गया है और इसको केबल को कट करके लूप हुआ था यहाँ पे केबल। और देखिए RYB और N, और ये आपको बता दूँ ये 1.5 का केबल है और ये फुल कॉपर है। देखिए इसको इंसुलेशन निकाल के थोड़ा ट्विस्ट कर लेंगे, चारों को ट्विस्ट कर लेंगे, ट्विस्ट करके अच्छा तरीका से इसमें इंसुलेशन टेप लगा देंगे ताकि हमारा बाद में ये थोड़ा वायर हीट ना हो। और इसको लगा देंगे। अगर आप इसी तरह वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और देखिए इसको कटिंग प्लायर की सहायता से इसको ट्विस्ट कर लिया गया और इसमें थोड़ा इंसुलेशन टेप लगा देंगे ताकि बाद में वो इधर उधर ना हो। इंसुलेशन टेप लगाया जा रहा है। टेप लगा देंगे और इसका जो कनेक्शन है वो लूपिंग किया गया पूरा 3 फेस का, जैसे RYB करके लाइट पूरा लगाया गया है। अगर फर्स्ट लाइट R में लगाया गया है तो सेकंड लाइट Y में और थर्ड लाइट B में लगाया गया है। RYB करके पूरा लाइट का कनेक्शन किया गया है। इसमें टोटल 15 लाइट आ रहा है और 3 फेस में 5-5 लाइट का लोड दिया गया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये कनेक्टर है, जो कनेक्टर इस 3 फेस केबल को कनेक्ट करने के लिए बहुत ही इजी होता है और इसमें कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये 3 फेस का केबल है, इसमें कनेक्ट करके बाद में आउटपुट निकाला जाएगा, किसी एक फेस से आउटपुट निकाला जाएगा। जैसे हमने स्टार्टिंग किया था R से, RYB ऐसे करके स्टार्टिंग किया था केबल में वो लाइट लगाने के लिए,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा वायर आ रहा है। अब ये जो लाइट है, लाइट का कनेक्शन करेंगे और कनेक्टर बहुत ही अच्छा है इसमें लगाने के लिए, और कितना सेफ्टी से वर्क किया जा रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप कहीं भी कार्य करिए ऐसे ही करिए, सेफ्टी से करिए। और देखिए इसमें ग्रीन वायर एक दिया हुआ है जिसका कोई मतलब है, मतलब है ग्रीन वायर का, लेकिन उसको टिप मार दिया जा रहा है क्योंकि चौक में ही है। और ये जो लाइट है वो ऑलरेडी आर्मर से कनेक्ट है क्योंकि आर्मर अर्थ ग्राउंड कर दिया गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए यहाँ पे जो आपका ये लाइट है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल कनेक्ट किया जा रहा है, न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे, न्यूट्रल कनेक्ट करने के बाद फेस को कनेक्ट करेंगे। इसी तरह पूरा लाइट लगाया गया थ्री फेस केबल में RYB करके, एक फेस के ऊपर 5 लाइट का लोड दिया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे R लगाया जा रहा है क्योंकि इधर से फिर लाइट का स्टार्टिंग हुआ RYB करके, तो यहाँ पे R फेस दिया जाएगा इसको, इस लाइट को। और R फेस देने के बाद इस लाइट को हम देखिए अच्छा तरीक़ा से इसमें लगा देंगे, अंदर बैठा देंगे ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो इसको लगाने के लिए। और इसको ऊपर उठा के इसमें आप पुश कर देंगे, देखिए ये बैठ गया कितना अच्छा तरीक़ा से। अब इसमें आप स्क्रूप लगा के इसको टाइट कर देंगे और ये फुल टाइट हो जाएगा। और नीचे जो स्पेस दिख रहा है वहाँ पे जेली बना के आप यहाँ पे फुल भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये फुल टाइट हो जाएगा, रॉड भी पूरा जाम हो जाएगा। देखिए जैसा कि ये लाइट पूरा कनेक्शन करके लाइट देखिए पूरा जला दिया गया है और पूरा लाइट चल रहा है। कैमरा में आपको अप डाउन दिख रहा है लेकिन ये लाइट सही है, पूरा लाइट सही जल रहा है।